दोस्तों, अगर आप YouTube पर 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना PC या लैपटॉप चेक कर लेना है। उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी 16GB रैम होनी चाहिए, इसके अलावा कम से कम 4GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको चेक करना है आपके इंटरनेट की जो अपलोडिंग स्पीड है वो काफी जबरदस्त होनी चाहिए, कम से कम 60 Mbps तक की स्पीड होनी चाहिए। आपको अपना मॉनिटर या अपने लैपटॉप का डिस्प्ले देखना है कि वो 4K क्वालिटी का है या नहीं है। अगर आपका लैपटॉप का डिस्प्ले या फिर आपका मॉनिटर 1080p का है और आप चाहते हो 4K क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग करना, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हो कि कैसे आप अपने 1080p वाले मॉनिटर को 4K मॉनिटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं अपने PC पर और देखते हैं हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होंगी 4K लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने PC पर। यहाँ पर मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ 4K क्वालिटी की सेटिंग करना, तो OBS के अंदर आपको क्या सेटिंग्स करनी होगी वो आप देख लीजिए। बाकी सब जो नॉर्मल सेटिंग्स हैं वो तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर सेटिंग्स का बटन आ रहा है, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है ये वीडियो वाले ऑप्शन में, वीडियो पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले बेस रेजोल्यूशन को हमें 4K क्वालिटी में चेंज करना होगा। अभी ये 1080p पर सिलेक्ट हो रखा है, तो इसके लिए आगे यहाँ पर एरो है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हमें 3840x2160 रेजोल्यूशन दिख रहा है, जो कि एक 4K क्वालिटी का रेजोल्यूशन होता है। इसे हमें यहां से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके PC में या आपके OBS में ये रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मॉनिटर या फिर आपके लैपटॉप का डिस्प्ले 4K क्वालिटी का नहीं है। अगर आपका 1080p क्वालिटी का लैपटॉप है या मॉनिटर है, तो उसकी मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो कि आप अपने 1080p वाले मॉनिटर को 4K मॉनिटर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 4K रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन में भी हमें 4K सिलेक्ट कर लेना है, तो यहां पर भी 4K सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डाउन स्केल फिल्टर में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, यही रखना है। उसके बाद यहां पर जो FPS वैल्यू है उसे मैं यहां पर 30 FPS कर देता हूं। और उसके बाद आपको जाना है आउटपुट वाले ऑप्शन पर, आउटपुट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको एडवांस पर क्लिक करना है, एडवांस पर चले जाइए, स्ट्रीमिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ऑडियो एनकोडर आपको ये वाला रखना है, AAC, ठीक है। इसके अलावा वीडियो एनकोडर आपको रखना है, आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहां पर रखा है NVIDIA NVNC H264, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसे छोड़ देना है, रीस्केल आउटपुट हमें नहीं करना। उसके बाद एनकोडर सेटिंग्स में आपको रेट कंट्रोल CVR रखना है, और सबसे बड़ी चीज है बिटरेट। अभी हमने बिटरेट यहां पर 5000 सेट कर रखा है, लेकिन आपको बिटरेट यहां पर 4K क्वालिटी के लिए आप 35000 बिटरेट इसे कर दीजिए। यहां पर मैं कर देता हूं 35000 kbps। आप इसे लगभग 55000, मैक्सिमम 51000 तक आप इसे रख सकते हो। मैंने इसे 35000 तक कर दिया। उसके बाद की फ्रेम इंटरवल आपको 0 रखना है। इसके अलावा प्रीसेट, यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो प्रीसेट है ये हमारा P7 पर अभी सिलेक्ट हो रखा है, तो यहां पर आपको P5 सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहां पर P5 सिलेक्ट कर लिया। ट्यूनिंग आपको हाई क्वालिटी रखनी है, मल्टीपास आपको 2 passes क्वार्टर रेजोल्यूशन रखना है, प्रोफाइल हाई रखना है, साइको विजुअल ट्यूनिंग यही रखनी है, टिक करके रखनी है, GPU 0 और मैक्स बी फ्रेम रेट आपको 2 रखना है। ऑडियो बिटरेट भी हमें यहां पर सेट करना है, ऑडियो पर क्लिक कीजिए। अब ऑडियो बिटरेट में नॉर्मली ये 160 या 128 होता है, ये आपको कर देना है 320। उसके बाद यहां पर आपको आउटपुट के बाद एक ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहां चेक कर लेना है आपको जो सैंपल रेट है वो 48 किलोहर्ट्ज़ होना चाहिए, ये वाला आप चेक कर लेना। तो यहां पर OBS स्टूडियो की सारी सेटिंग्स आपकी लगभग यहां पर कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है अपने YouTube चैनल पर, और YouTube चैनल पर भी आपको बहुत जरूरी एक सेटिंग चेंज करनी है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। तो यहां पर मैंने अपना YouTube चैनल ओपन कर लिया। YouTube चैनल पर ऊपर की साइड आप देखोगे यहां पर एक प्लस का बटन आ रहा है, क्रिएट का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर गो लाइव पर क्लिक कर देना है। जब आप गो लाइव पर क्लिक करोगे तो आप YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर पहुंच जाते हो। यहां पर आपको 3 options दिखते हैं, एक स्ट्रीम का ऑप्शन आता है, एक आपका वेबकैम का ऑप्शन आता है, एक आपका मैनेज का ऑप्शन आता है। आपको मैनेज पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको शेड्यूल स्ट्रीम पर क्लिक करना है, इसके बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल लिख देनी है और उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हमें स्ट्रीम की कॉपी कर लेनी है। स्ट्रीम की को तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बहुत जरूरी चीज का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये आपको नॉर्मल लेटेंसी पर रखना है, आपको लो लेटेंसी या अल्ट्रा लो लेटेंसी नहीं रखनी है। और वापस चलते हैं हम अपने OBS स्टूडियो पर। तो OBS स्टूडियो पर आने के बाद अब हमें सेटिंग्स पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें स्ट्रीम पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो यूज स्ट्रीम की एडवांस, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें स्ट्रीम की पेस्ट कर देनी है, जो YouTube की स्ट्रीम की अभी हमने कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, उसके बाद अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ये हमारी वीडियो यहाँ पर प्ले हो रही है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे। अब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पर स्टार्ट हो जाएगी। YouTube पर ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग 4K क्वालिटी में ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं यू आर लाइव, यानी हम YouTube पर लाइव हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो YouTube के ऊपर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ प्रॉपर यहाँ पर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हमारी ये चल रही है। इस पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं 2160p रेजोल्यूशन हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।